अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं लेकर आई हूँ खट्टी मीठी तीखी सी चटनी की रेसिपी, जो कि इमली और खजूर से बनी हुई है। और इस चटनी को आप आराम से दही भल्ले, पापड़ी चाट और गोलगप्पे में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है। तो वीडियो को हमेशा की तरह लास्ट तक एंजॉय करिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने खजूर लिया है जो कि बिना बीज का है। इसके बीज को मैंने हटा दिया है। सीडलेस खजूर ले लीजिए, मैंने 100 ग्राम लिया है। और मैंने 100 ग्राम इमली लिया है जो कि देख सकते हैं मैंने बिना बीज का लिया है, सीडलेस। इसी तरीके का अगर आप इमली ले रहे हैं साबुत वाली, तो उसके बीज को आप निकाल दें पहले, तो बस इसमें डाल दें एक ही साथ। मैंने 100-100 ग्राम दोनों लिया है। बस क्या करना है कि गैस का फ्लेम को मीडियम रखना है। और यहाँ पे देखिए मैंने पानी डाला है। पानी जो है 600 ml है। 500 ml यानी कि 1/2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा आप पानी डाल दीजिए। डालने के बाद जो है इसमें अच्छे से एक बार उबाल आ जाए, इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। और फिर जो है इसको कवर करके इसको मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए पकने देंगे अच्छे से, क्योंकि हमारे खजूर और इमली वो फूले हुए नहीं थे। अगर आप चाहें तो खजूर और इमली को 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो कर भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी चटनी झटपट में बनकर रेडी हो जाएगी। तो टाइम अगर बचाना हो तो पहले से भिगो कर रखिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 टीस्पून सौंफ लिया है, और मैंने गुड़ लिया है 100 ग्राम, और 1/4 टीस्पून मैंने सौंफ पाउडर लिया है, जो अदरक का पाउडर होता है ना, जिंजर पाउडर। और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। और 1/2 टीस्पून से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रेगुलर नमक लिया है। आप 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं, या फिर हाफ आप दोनों काला नमक भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला का पाउडर और 2 चुटकी मैंने हींग लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने जीरा लिया है। और इस तरीके से मैश करते हुए, जैसे चम्मच से ही मैश करते हुए आप इसको मिक्स करेंगे, ताकि जो फूले हुए इमली है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसको कवर करके फिर से 10 मिनट के लिए पकाना है। और 10 मिनट के पकाने के बाद जो है इसका लीड हटाएंगे, तो देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो चुकी है, क्योंकि गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है इसमें, और इमली और खजूर भी अच्छे से फूल चुके हैं, मतलब सॉफ्ट हो चुके हैं इसमें। तो अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और देख सकते हैं मैंने उंगलियां डालकर चेक किया था, टेस्ट किया था, बहुत ही लाजवाब इसकी चटपटी सी टेस्ट आई है। मैं इसमें थोड़ी सी जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून, और अच्छे से इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दीजिए, क्योंकि मिक्स करने के बाद जो है इसको ठंडा करना है, तो गैस का फ्लेम को ऑफ करके ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा करने के बाद जो है अब इसको पीसना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अभी बहुत मोटे मोटे रेसे हैं, तो चटनी हमारी जो है अभी अधूरी है। तो अच्छे से इसको पहले मिक्सी ग्राइंडर ले लें आप, और मिक्सी जार में इसको डालकर इसको पीस लें अच्छे से, बारीक पीसना है। और पीसने के बाद देख सकते हैं आप ये अच्छे से पीस चुका है। अब इसको छानना ज़रूरी है, अभी भी इसमें बहुत मोटे मोटे रेसे हैं, तो इसको अलग करना ज़रूरी है। तो कोई सा भी आप बॉल ले लें, और फिर इसके ऊपर मैंने स्ट्रेनर रख दिया है, आप कोई सा भी छन्ना रख सकते हैं इसके ऊपर। और फिर जो है इसके अंदर मैं इस तरीके से निकाल कर डाल रही हूँ चटनी को। और चटनी को डालने के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी ठीक है, तो इस तरीके से छानना बहुत मुश्किल है। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको इस तरीके से आपको छान लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको छान लिया है, ताकि इसके रेसे जो है ना ऊपर आ जाए, और जितना स्मूथ सा चटनी है वो नीचे आ जाएगा। तो बस आपको इसी तरीके से कर लेना है सारी चटनियों को। और देख सकते हैं कितने सारे रेसे ऊपर आ चुके हैं। ये बहुत ही नुकसान देता अगर हम खाते तो, और टेस्टलेस भी होता है, इसलिए इसको साइड कर देंगे। और फिर देख सकते हैं जो हमारी स्मूथ सी चटनी है वो अभी बनकर रेडी नहीं हुई है, अभी प्रोसेस बाकी है। तो बस फिर से करना है कि गैस का फ्लेम को ऑन कर देना है, और वापस से वही पैन रख देना है, और उसमें डाल देना है ये चटनी। चटनी को डालने के बाद जो है फ्लेम को रखना है मीडियम फ्लेम पे, इसको फिर से पकाना है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो पानी डाले थे इसमें वो पानी अभी कच्चा है, तो हमारी चटनी जो है अगर स्टोर करके रखेंगे फ्रीज में तो वो ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए इसको पकाना बहुत ज़रूरी है। तो मीडियम आंच पे इसको लगातार पकाते रहें, 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाना है, ताकि जितनी भी एक्स्ट्रा पानी है वो भी अच्छे से इसमें ड्राई हो जाए, और फिर जो है आप स्टोर करके इसको रखेंगे। और मैं बता दूं कि अगर आप जब भी इस चटनी को यूज़ कीजिएगा, तो आप 1 चम्मच मान लीजिए चटनी लिए हैं, तो 1 चम्मच पानी मिक्स करके उसके बाद उस टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आपको स्टोर करके रख सकते हैं इसको,
3 महीने तक ये चटनी आपकी ख़राब भी नहीं होगी। तो देखिए कलर कितना अच्छा लग रहा है इसका और इसकी थिकनेस कितना अच्छा लग रहा है ना। इसको आप किसी भी चाट के साथ इंजॉय कर सकते हैं। कितनी मज़े की आपको ये रेसिपी लगेगी खाने में। तो अगर रेसिपी मेरी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कॉमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तो इजाज़त दीजिए हमें, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।